आपको बता दें, बड़ी खबर है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है। 1 मई को पेश होने के लिए नोटिस दिया है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, जिनको नोटिस दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। फेक वीडियो केस में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया है रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी को फोन लाने के लिए भी कहा गया है। रेवंत रेड्डी के फोन की भी जांच होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का एडिटेड वीडियो सर्कुलेट करने का आरोप तेलंगाना कांग्रेस पर। इसी कड़ी में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। और हमारे सहयोगी अनेरी इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनेरी, बताइए किस तरह से रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनको बुलाया गया है और अब 1 मई को पेश होना होगा, सवाल जवाब का सामना करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर का वीडियो जो सोशल मीडिया पे फेक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था, अब वो कहा जा रहा है कि वो तेलंगाना कांग्रेस के लीडर्स और सोशल मीडिया टीम के तरफ से सर्कुलेट हो रहा था, और इसी कारण अब जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे फेक वीडियो अमित शाह का जो सर्कुलेट किया गया है, उसी के मामले में अब TPCC चीफ और जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी है रेवंत रेड्डी, उनको दिल्ली पुलिस ने नोटिस सर्व किया है और कहा है कि 1 मई को उनको दिल्ली आना है और इन्वेस्टिगेशन में इसमें इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेना है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन्स, वो भी साथ में उनको वहाँ पर जमा कराना होगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये वीडियो किस तरह से सर्कुलेट हुआ है और कहाँ से सर्कुलेट हुआ है। हालाँकि हमने ये भी देखा है कि तेलंगाना बीजेपी के लीडर्स ने भी यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भी रेवंत रेड्डी को अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फेक वीडियोस और मॉफ वीडियोस जो है वो सर्कुलेट कर रही है। और इस दौरान अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो TPCC चीफ भी है, उनको नोटिस सर्व किया है और कहा है कि 1 मई को दिल्ली आना होगा उनको और इन्वेस्टिगेशन के सवाल जवाब में उनको रहना होगा वहाँ पर। बिल्कुल अनेरी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा पाइपलाइन गोदाम में भीषण आग लगी है। मथुरा पाइप गोदाम में दरअसल ये भीषण आग लगी और ये बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ये आग की ऊंची लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयंकर ये आग है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भीषण आग की हम आपको दिखा रहे हैं, और जहां पर ये आग लगी है बताया जा रहा है कि पाइप गोदाम में ये भीषण आग लगी है। पाइप गोदाम में भीषण आग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन तमाम जो कोशिश है वो नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक लाखों का नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन आग कितनी भीषण है उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। किस वजह से आग लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, पाइप गोदाम में लगी भीषण आग में लाखों के नुकसान की आशंका। मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को जारी किया गया नोटिस, पूछताछ के लिए 1 मई को पेश होने के लिए बुलाया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत, कहा गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त वजह नहीं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने दाखिल किया अपना नामांकन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस दौरान रहे मौजूद। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने दाखिल किया नामांकन, राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी और सीएम धामी भी रहे मौजूद। ओडिशा में संबित पात्रा ने किया रोड शो, नामांकन से पहले पुरी में रोड शो किया, पुरी में 25 मई को होना है मतदान। रोड शो के दौरान संबित पात्रा ने किया डांस, रोड शो में शामिल हुए समर्थकों का किया अभिवादन। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, विदिशा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों को अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं। रोहिणी आचार्य ने दाखिल किया अपना नामांकन, सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य,
नामांकन के दौरान तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, कहा हम समाज में भेदभाव के पक्षधर नहीं, समाज को जोड़ना हमारी प्राथमिकता। नमस्कार दोस्तों, चलेगी या नहीं चलेगी लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ ताज नगरी आगरा से। और इस बार ताज नगरी आगरा का मूड क्या है ये हम जानेंगे, आखिर ताज नगरी आगरा के जनता के दिल में इस बार क्या है और किसे वो अपना सांसद बनाने जा रहे हैं। तो दादा शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, बीजेपी के मिशन 400 पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कुछ नहीं कहना चाहें, यही कहना चाह रहे हैं आपसे बोला है कि ये गाय बहुत परेशान कर रही है, बहुत दुखी है इनसे। हमारा पशु की समस्या है, हमारा पशु की समस्या है। सिलेंडर 450-350 का था, सिलेंडर 1100 का ब्लैक में चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की इस बार चलेगी या नहीं चलेगी? बीजेपी हमारी भारतीय गठबंधन ही चलेगी अब। अच्छा, इंडी गठबंधन का माहौल है इधर, कितना बीजेपी जो कह रही है 400 पार जाएगी, लग रहा है आपको 400 पार होगा? 200 पे ना पहुंच पा रहे था। अच्छा, 200 भी नहीं पहुंचेगा। दादा कितना बीजेपी का स्कोर जाएगा इस बार? थोड़ा ही जाएगा सर, बहुत परेशान आदमी है, जो मजदूरी नहीं मिल रही है, आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही है और थोड़ी खेती है और गाय अतिगा चारा सब खेती बिगाड़ देती है, पैदा नहीं हो रहा है। आगरा में आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा है। और एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, ज्यादा परेशानी है, मजदूरी नहीं मिल रही है। बतौर प्रधानमंत्री किसका चेहरा आपको ज्यादा पसंद है? अब प्रधानमंत्री की तो अब को है, पहले इतनी सीट नहीं आवेगी, 400 पार नहीं हो रही है, 400 पार नहीं हो रही है। आपका क्या मूड है दादा इस बार चुनाव को लेकर? इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री के तौर पर किसे आप देखते? राहुल गांधी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने काम वाम किया है? नहीं, हमारी साइड पे तो कोई नहीं है, गायन तो परेशान है क्षेत्र। अच्छा, आवारा पशुओं के अलावा और अगर बात करें, बिजली पानी सड़क गैस सिलेंडर राशन, इन सब क्षेत्रों में काम कैसा लगता है बीजेपी का आपको? गैस सिलेंडर तो बिल्कुल, जो पहले 400-450 मिलते, अब तो 1000-1200 चल रहा ना, फ्री कनेक्शन कर दे, अब तो क्या खरीदे ना यार, बिल्कुल खाने चूल्हे में बनने परेशानी है, महंगाई मुद्दा है। तो तमाम लोग जो है वो महंगाई को मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, कुछ और लोगों से बात करें। तो चलेगी या नहीं चलेगी में यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और भी तमाम लोगों से हम बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर इस बार किसकी चलने जा रही है लोकसभा चुनाव में, कौन इस बार लोकसभा से जो है वो आगरा की लोकसभा से परचम लहराएगा और परचम लहराने के साथ ही जीत दर्ज करेगा। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप युवा हैं, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का बढ़िया है, बढ़िया है, काम वाम हुआ है, काम कर, नौकरी वाकरी मिल रही है, नौकरी बेरोजगारी समस्या है इस बार। बीजेपी जो कह रही है कि, अच्छा बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार जाएगा, क्या लगता है आपको? बीजेपी जाना है 400 दावी करना पार। आपसे मैं बात करूंगा भाई, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, किधर हवा लग रही है? बढ़िया चल रही है भैया हवा तो। किसके तरफ ज्यादा माहौल लग रहा है बताइए खुल के? मोदी सरकार की तरफ ही जाएगी, मोदी सरकार की तरफ है हवा। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, 400 पार होगा कि नहीं होगा? होगा, हो जाएगा, मतलब चलेगी बीजेपी के इस बार चुनाव में और क्या चलेगी। आगरा का बता दीजिए, आगरा का बता दीजिए, आगरा की तो इन्हें पूछो, हम तो हाथरस जिला के, हाथरस जिले के, हाथरस जिले क्या माहौल है, हाथरस का बता दीजिए। हाथरस जिला का तो बढ़िया माहौल है, बीजेपी को खूब हल्ला है, बीजेपी की तरफ हवा चल रही है आगरा में, हाथरस में है। आगरा का आपको माहौल पता नहीं, आगरा का भाई साहब से पूछे। खेती किसानी का थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, किसानों को लेकर कितनी संतुष्ट किसान है आगरा के? किसान तो पूरे का संतुष्ट है, किसान संतुष्ट है, गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, सही बताऊं के लिए परेशानी है, चूल्हा दे दे, घर घर फ्री है, कनेक्शन लगवाने के फ्री है, अब बिल्कुल दो लइया दूध काट लो, छोड़ नहीं, लट खा रही है। अच्छा, बीजेपी जो कह रही है कि बहुत काम किया उन्होंने किसानों के लिए, खेती किसानी के लिए, आपको क्या लगता है? काम है रो है, बिजली माँ पे है रही है, टूबल लगी, घर की चुना है रही, गरीब आदमी चुना है रही,
घर के घरेलू संबंध था ये बिल चुना माफ है रे टूवेल न की आप आसी तुम फ्री कर रहे हो घरेलू चुना माफ है रे बताओ। अच्छा घरेलू बिजली भी माफ अगर करें तो वो मुद्दा है चुना मुद्दा चुना है हमें तो भाई एक रुपया को फायदा है हमें तो हम मजदूर आदमी है 400 रुपया 500 रुपया बिल के आ रहे हो न फ्रिज हमारे पास न LCD केवल एक पंखा और अपना टाइम पास कर रहे हैं दो बल्ब अब बताओ घर को बिल एक माफ ना टूवेल न की आपस ही माफ चल रही है। अच्छा और बाकी जो योजनाएं हैं बीजेपी की आयुष्मान कार्ड हो गैस सिलेंडर हो राशन हो सड़कें बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य इनको लेकर क्या कहना है आपका इस क्षेत्र में काम हुआ है। हमारे गांव हाथरस जिला चौबारा में 3 स्कूल टूट चुके हैं बच्चे न के पढ़े हुए के लिए व्यवस्था ना आता है फिलहाल ला हम कह रहे तुम स्कूल तो करवाए दे हाथरस जिले में निरे स्कूल टूटे बच्चा रघु बन लेना बच्चा डोल ले लावारिस का मतलब अच्छा थे यानी आप लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं पूरी तरह से मूड में जी देखो बताओ हाथ तो पब्लिक के ऊपर बात है पब्लिक करेगी सो होगी ठीक है पब्लिक में आप भी शामिल हैं पब्लिक को जय कहते अखिलेश हो या मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं आप चेहरा तो कह रहे सही मोदी जी सही है ऐसी कोई बात ना है प्रधानमंत्री के तौर पे ठीक है वो बढ़िया वैसे सही है ठीक है मोदी जी बढ़िया काम करो वैसे सही सत्य बताओ ठीक है मोदी कोई दिक्कत ना है लेकिन बात परेशानी यही है चूल्हे दे दे और मीटर लगा दे के फ्री है लेकिन फिर भी जा रहा है प्रधानमंत्री का चेहरा किसको मोदी जी को आप देखना चाहते हैं बढ़िया हाँ और क्या चलेगी मोदी जी की इस बार मुर्गन चलेगी। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करेंगे। दादा आपसे मैं बात करूंगा सुबह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप क्या लग रहा है किसके चलेगी इस बार चुनाव में सर चलेगी देखो जो पल्ला होगा तालम को चलाई हवा चलाई पत्तवाई मारी जाए किधर हवा चल रही है थोड़ा अभी तो हवा जालंग चली है 7 तक जालंग बंद की तो इस लंग कौन है अब जालंग तो तुम देख लो कौन है थोड़ा आइडिया बताइए आप अनुभवी आदमी है अब के देखो भगवान की कृपा से पल्ला होगा तालंग पंटा जाओ। प्रधानमंत्री चेहरा किसे कौन पसंद है आपको देखो सर हमारे तो बीजेपी बढ़िया खूब जगह पे खूब सुविधा कर रही है पर जब कनेक्शन है और सिलेंडर ने बुक करवाओ कुछ चीजें हैं परेशान करते या देखो कुत्ता ही मौत मारी जा रही है माता आए बुरी तरह मारी जा रही है और फसल खा रही है खेतने में और गौशाला कह रही बनेगी कहूँ गौशाला बन नहीं आता सांसद मंत्री जी काम नहीं करते इस दिशा में कोई ना ऐसा जो कहते हैं गौशाला बनेगी आज तक ना बनी खाई और करवा दी तमाम डर गई और कुत्ता खा रही। तो देखिए चलेगी या नहीं चलेगी में आगरा की जनता की जो प्रतिक्रिया थी वो आपने सुना लेकिन अब इंतजार करना होगा 4 का जब चुनावी नतीजे हम सबके सामने होंगे और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी चली है और किसकी नहीं।